So in today's video, we'll be discussing about an important process that happens in the human body, to be more specific in the male body. So without any further ado, let's get started with today's video. So इस important process का नाम है spermatogenesis. अब ये वो process है जिसकी वजह से male gametes की formation होती है, यानी कि sperms की formation होती है. अब ये sperms बनते कहाँ हैं? ये sperms produce होते हैं testis में. Now, on the basis of the position of testis, यानी कि ये testis present कहाँ होती हैं, उसके basis पे हमने organisms को तीन categories में divide किया हुआ है. First category में आते हैं seasonal breeders. तो जैसे हमें नाम से clear है कि इस category में वो organisms हैं जो कि सिर्फ seasonally ही breed कर पाते हैं. यानी कि उनके testis scrotum में एक particular season में ही descend करते हैं. एंड जब वो सीजन ख़त्म हो जाता है तो वो फिर से वापस असेंड कर जाते हैं एब्डोमिनल एरिया में. इन ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है बैट. सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी टेस्टिस हमेशा ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ही प्रेजेंट होती है, यानी कि एब्डोमिनल एरिया के बाहर. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन्स, लायंस, हॉर्सेस, ये सारे इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी टेस्टिस हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, यानी कि एब्डोमिनल के अंदर. इसके एग्जांपल्स हैं व्हेल्स एंड एलिफेंट्स. अब हमें ये तो पता चल गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई किया. पर अब विद इन द टेस्टिस, अब टेस्टिस के बीच में कौन सी ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहाँ पर इन स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है, तो डैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्स. यानी कि टेस्टिस के अंदर एक कॉइल्ड मास प्रेजेंट होता है ट्यूब्स का, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहते हैं. ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं विद दिस प्रोसेस विच इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हम सेमिनिफेरस ट्यूब्स का स्ट्रक्चर देखेंगे. अब देखिए, ये हमारे टेस्टिस है, ठीक है, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो ट्यूब्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे ही हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स. अब ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये लाइंड अप होता है एपिथीलियल सेल्स से, यानी कि यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जर्मिनियल एपिथीलियल सेल्स की. अब ये जो सेल्स हैं, इन्हीं की फर्दर डिफ्रेंसिएशन होकर हमारे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है. यानी कि टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसकी लाइनिंग हुई होती है जर्मिनियल एपिथीलियल सेल्स से. इन्हीं सेल्स से क्या बनते हैं? स्पर्म्स. अब ये जो प्रोसेस है वो दो फेजेस में कंप्लीट होता है. फर्स्ट फेज में आता है स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन. स्पर्मेटिड्स क्या होता है? स्पर्मेटिड्स आर नथिंग बट सर्कुलर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये सर्कुलर शेप में होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल की मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनका होता है. अब ये फॉर्मेशन है जो स्पर्मेटिड्स की, वो तीन फेजेस में होती है. फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज ग्रोथ फेज, एंड द थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होती है एंड मैच्योरेशन फेज में मियोसिस होती है. इसके बाद जब स्पर्मेटिड बन जाता है तो वो फाइनली कन्वर्ट होता है स्पर्म. एंड यू नो स्पर्म क्या है? स्पर्म इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर, दैट इज इट कैन मूव. तो इस प्रोसेस को, दैट इज स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में चेंज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. तो इन दोनों टर्म्स में कन्फ्यूज नहीं होना कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है एंड स्पर्मियोजेनेसिस क्या है. सो स्पर्मेटोजेनेसिस हम इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, एंड स्पर्मियोजेनेसिस इस पूरे प्रोसेस के इस पर्टिकुलर स्टेज को कहते हैं. अब हम इस प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, यानी कि इसके हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. हमने पिछली स्लाइड में देखा कि फर्स्ट स्टेप होता है स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन. ये स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन थ्री फेजेस में होती है. सबसे पहला फेज होता है मल्टीप्लीकेशन फेज. अब मल्टीप्लीकेशन फेज, जैसे कि नाम से पता चलता है कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होती है. मल्टीप्लीकेशन किस वे से होगी? माइटोसिस से होगी. अब देखिए, ये हमारी जर्मिनियल एपिथीलियल की लेयर है. इसमें ये क्या प्रेजेंट है? जर्म सेल्स, या फिर जिसे हम कहते हैं प्रीमोर्डियल सेल्स प्रेजेंट है. इनकी सपोज 2
2N है, ठीक है, ये 2N है, ये डिप्लॉयड सेल्स हैं। एक बार माइटोसिस हुई तो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, दोनों डिप्लॉयड ही होंगे क्योंकि हमें पता है माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन। फिर से अब ये वाला फिर से माइटोटिकली डिवाइड होगा, ये भी फिर से माइटोटिकली डिवाइड होगा, अगेन ये दोनों डिप्लॉयड ही रहेंगे। अब ये जो सारे प्रोड्यूस हुए हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियास प्रोड्यूस होंगे इनके पास दो पाथवेज होंगे, एक को हम कहेंगे टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, दूसरों को हम कहेंगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। अब टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में वो वाले स्पर्मेटोगोनियास आएंगे जो कि एज स्टेम सेल्स एक्ट करेंगे, यानी कि वो फिर से माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और मोर नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस कर लेंगे। और दूसरी कैटेगरी आएगी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में, इसमें वो स्पर्मेटोगोनियास को हम कंसीडर करेंगे जो कि नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे। फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन फेज है, अब नेक्स्ट फेज कौन सा है, ग्रोथ फेज। सो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम हम उन्हें उन स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं जो कि ग्रोथ फेज में एंटर करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन फेज। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ फेज में क्या होता है। अब बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट फेज एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास चार स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। हम अब सिर्फ एक को ही स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म्स पे कन्वर्ट होगा, तो फिर बाद में हम बाकी को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि टोटल यानी कि एक प्रीमोर्डियल सेल कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम सिर्फ एक को ही कंसीडर करेंगे। अब देखिए सेकंड फेज में इस टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम की ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी, न्यूट्रिएंट, ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से डिराइव होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेक्रीट करती हैं एपिथेलियल जर्मिनल लेयर, ठीक है। हमें पता है ये सब कहाँ पर हो रहा है, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर में, तो वो पर्टिकुलर लेयर ही न्यूट्रिएंट्स सेक्रीट करती हैं जिन्हें कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनकी ग्रोथ होती है। तो अभी यहाँ पर भी 2N एंड 2N ही रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड फेज होगा उसमें मियोसिस होगी, यानी कि 2N से N हो जाएगी, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एंड इस पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनियम को जिसकी अभी ग्रोथ हो चुकी है उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। अब हमारा लास्ट फेस आ गया है जो कि है मैच्योरेशन फेस। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस वन होगी, इसमें मियोसिस वन हमें पता है रिडक्शन डिवीजन होती है, तो यहाँ पर ये हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन हैप्लॉइड सेल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन हैप्लॉइड सेल्स के फिर से मियोसिस टू होगी, वी नो मियोसिस टू इक्वेशनल डिवीजन है, तो यहाँ पर ये हैप्लॉइड ही रहेंगे, यानी कि अब हमारे पास फोर स्पर्मेटिड्स बन गए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया है, स्पर्मेटिड्स। द होल पर्पस ऑफ द फर्स्ट स्टेप क्या था, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन। तो अब ये तीनों फेजेस कंप्लीट हो गए हैं एंड वी हैव अ स्पर्मेटिड्स। नाउ द सेकेंड एंड द लास्ट फेज इन दिस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें ये स्पर्मेटिड्स फाइनली स्पर्म्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के कारण स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए हमने यहाँ पर ये सारा कुछ स्टडी किया है एक स्पर्मेटोगोनियम, राइट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम एक स्पर्मेटोगोनियम को ही कंसीडर करते हैं हमारी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उस एक स्पर्मेटोगोनिया ने क्या प्रोड्यूस किया, हमारे पास फोर स्पर्म्स प्रोड्यूस किए। तो हमने टोटल जब स्टार्टिंग में देखा था कि एक प्रीमोर्डियल सेल में से कितने स्पर्मेटोगोनियास प्रोड्यूस हुए थे, फोर स्पर्मेटोगोनियास प्रोड्यूस हुए थे। हर एक स्पर्मेटोगोनिया चार स्पर्म्स फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स ये चारों स्पर्मेटोगोनियास इन टोटल 16 स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि एक प्रीमोर्डियल सेल 16 स्पर्म्स को फॉर्म करता है एंड एक स्पर्मेटोगोनिया चार स्पर्म्स को फॉर्म करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सो विद दिस हमारा ये जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का ये कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And I'll see you in my next video.